हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक पैराजम्बल का क्वेश्चन। और ये पैराजम्बल पूछा गया है एसबीआई पीओ प्री में 14 जून 2019 को। एक इम्पोर्टेंट पैराजम्बल है और सेम इसी तरीके का पैराजम्बल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फोर्थ कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं इस पैराजम्बल क्वेश्चन को। देखिए, पैराजम्बल होता क्या है, मैं सारी वीडियो क्लासेस में ये बताता हूँ कि पैराजम्बल एक लॉजिकल रीजनिंग का एक टेस्ट होता है कि आप लॉजिक को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर आप एक पैराजम्बल देख सकते हैं जिसमें 5 सेंटेंसेस हैं, ए बी सी डी ई। और कभी कभी ये काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पूछा जाता है, कभी कभी इसमें 6 या 7 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। और पैराजम्बल एक बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी बैंकिंग एग्जाम्स का। ये बैंक पीओ और बैंक क्लर्क और दूसरे सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स का, ठीक है। तो इस पैराजम्बल में मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉजिकल रीजनिंग को किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे आप पैराजम्बल को कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर जो लॉजिकल रीजनिंग्स आपको बताऊँगा उनको, वो स्टैंडर्ड हैं। पैराजम्बल का क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, उसमें कितने भी सेंटेंसेस हों, ई तक हो, एफ तक हो, जी तक हो, ये जो लॉजिकल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इनको अप्लाई करके आप पैराजम्बल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं और ये 5 सेंटेंसेस जो हैं ये एक पैराग्राफ का पार्ट है और पैराग्राफ के अलग अलग सेंटेंसेस को जम्बल्ड अप इसमें कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको उसको किसी और पोजीशन पर रख दिया गया है, जो थर्ड सेंटेंस है उसको किसी और पोजीशन पर रख दिया गया है। तो आपको इनको सीक्वेंस में रखना है, जैसा कि पैराग्राफ में ये आने चाहिए, उस तरीके से इनको आपको रखना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है पैराजम्बल को सॉल्व करने में, फर्स्ट स्टेप क्या होता है पैराजम्बल को सॉल्व करने में, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ये फाइंड आउट करें कि फर्स्ट सेंटेंस या टाइटल सेंटेंस कौन सा हो सकता है। और फर्स्ट सेंटेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी प्रोनाउन का यूज हुआ है, वो सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंसेस नहीं हो सकते, उनको आप एलिमिनेट करके फर्स्ट सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये ट्रिक है, ठीक है। जैसे प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोनाउन जैसे ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, देम हो सकता है, दीज हो सकता है, तो ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन से इसलिए स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन से पहले नाउन का मेंशन होगा, ठीक है। तो प्रोनाउन से एक सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम प्रोनाउन को हटा के फर्स्ट सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कोई सा भी कनेक्टिंग वर्ड है, बट है, एंड है, हैंस है, ठीक है, दस है, इनसे हम एक पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस इनके थ्रू लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंक्लूडिंग जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं जैसे दस है, हैंस है, बट है, बिकॉज है, एज है, सिंस है, इनसे कोई भी सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा जो प्रोनाउंस होते हैं उनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको बताऊंगा। ये रियल पैराजम्बल है, एसबीआई पीओ प्री में ये पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम बर्न आउट मैनी ऑफ देम, देखिए मैनी ऑफ देम ये प्रोनाउन है, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम का मतलब ये है कि उनमें से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन किन में से काफ़ी ज़्यादा उसका मेंशन इससे पहले आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं मैनी ऑफ देम, यानी ये जो सेंटेंस है ए, ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रोनाउन का मेंशन आया है। अब यहाँ पर देखिए, अ रीसेंट सर्वे एम टू स्टडी द रिस्क ऑफ बर्नआउट अमंगस द जजेस एंड मजिस्ट्रेट हैज़ रिवील्ड सम ग्रिम फाइंडिंग्स। इसमें देखिए कहीं पर भी कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अभी हम आगे भी सारे सेंटेंस पहले देखेंगे। द लेबल ऑफ दिस, देखिए दिस एक प्रोनाउन होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी इसका मतलब यह है कि इस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का मेंशन पहले जरूर आया होगा, तभी हम बोल रहे हैं दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पर भी प्रोनाउन आ गया, यहां पर प्रोनाउन नहीं है, बी में प्रोनाउन नहीं है, सी में भी प्रोनाउन है। अब यहां पर देखिए, दो ऑल दीज फाइंडिंग्स, हालांकि ये सारी फाइंडिंग्स,
तो ये सारी फाइंडिंग का मेंशन पहले आना चाहिए, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। अब इसमें देखिए, द कॉन्स्टेंट हाई वर्कलोड एंड द हैरोइंग डिटेल ऑफ द सीरियस क्राइम्स वर द टू मेजर कॉजेज ऑफ दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट। दिस रिस्क, कौन सी रिस्क? दिस रिस्क, यानी मेंशन पहले आना चाहिए। यहां पर दिस रिस्क हम तभी बोलेंगे जब पहले इसका मेंशन करेंगे, उसको बोलेंगे, उसके बाद में इसको रिप्लेस करने के लिए हम दिस का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैंने एलिमिनेट किया सारे सेंटेंसेस को जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि बी जो सेंटेंस है ये आपका फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस बोलता क्या है, क्या कहता है ये सेंटेंस? अ रीसेंट सर्वे एम टू स्टडी द रिस्क ऑफ बर्नआउट अमंगस द जजेस एंड मजिस्ट्रेट हैज रिवील्ड सम ग्रिम फाइंडिंग्स। एक सर्वे हुआ है, रीसेंट मतलब अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में स्टडी की गई है। किसकी स्टडी की गई है? रिस्क ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार काम करे किसी चीज किसी भी फील्ड में, तो वो बर्नआउट हो जाएगा, थक जाएगा, उसके कैपेबिलिटीज कम हो जाएंगी, उसको हम बर्नआउट बोलते हैं। तो जजेस और मजिस्ट्रेट जो हैं वो एक बर्नआउट स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कैपेबिलिटीज उनकी कम हो गई हैं। तो अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ है, उसने कुछ ग्रिम फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब कंक्लूजन्स, ग्रिम मतलब काफ़ी काफ़ी सैड, काफ़ी डिस्ट्रेसिंग, तो कुछ कंक्लूजन्स निकल के आए हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस यदि फर्स्ट है तो इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो रेफरेंस जो लेगा वो इसी सेंटेंस से लेगा। मतलब आगे वाला जो सेंटेंस बनेगा उसमें वो सेंटेंस इस बी सेंटेंस से लॉजिकली कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट भी होता है। कॉमन रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जिस चीज के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, इसमें चर्चा की गई है, वही सेम चीज या उसका एक्सटेंशन इसके आगे वाले सेंटेंस में होगा। अब देखिए आप इस वाले सेंटेंस में देखिए, ई में द कॉन्स्टेंट हाई वर्कलोड्स एंड द हैरोइंग डिटेल ऑफ सीरियस क्राइम्स वर द टू मेजर कॉजेज फॉर दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट। दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट, यहां पर हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं बी में। ठीक है, यहां पर हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं, रिस्क ऑफ बर्नआउट पहली बार हमने मेंशन किया है, और ई में हम बोल रहे हैं दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट। अब देखिए, तो यहां पर बर्नआउट, बर्नआउट एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो गया। बी में हमने रिस्क ऑफ बर्नआउट की बात की है और यहां पर हम बोल रहे हैं दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट, यानी बी के बाद ई सेंटेंस आ सकता है। इसके अलावा यहां पर हम एक और रेफरेंस पॉइंट है, देखिए सर्वेड ज्यूडिशरी, वहां पर भी हमने सर्वे की बात की है बी में, और ई में भी हम सर्वे जुडिशरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकली बी के बाद ई सेंटेंस ही आ सकता है। हालांकि इसमें देखिए, यहां पर हमने ग्रिम फाइंडिंग्स की बात की है और यहां पर भी हम बोल रहे हैं दो ऑल दीज फाइंडिंग्स, लेकिन ये कनेक्टेड तो है लेकिन उतना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है जितना ई है। यहां पर देखिए, यहां पर हम बोल रहे हैं सम ग्रिम फाइंडिंग्स, ठीक है, और यहां पर हम बोल रहे हैं ऑल दीज फाइंडिंग्स। यहां पर सम बोल रहे हैं, यहां पर ऑल बोल रहे हैं, यहाँ पर सम बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑल बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कनेक्टेड तो है लेकिन पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी यदि ऑल होता, यहाँ पर भी ऑल होता, या यहाँ पर सम होता और फिर यहाँ पर भी सम होता तो ये जुड़ सकता था उससे, लेकिन इसमें दो रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ये सेंटेंस लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है। एक तो इसमें दिस कीवर्ड आया है और एक इसमें सर्वेड कीवर्ड आया है, दिस एंड सर्वेड, तो उसके थ्रू बी ई से लॉजिकली कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो यहां पर ई आ जाएगा, ठीक है, बी ई, पहले बी आएगा फिर ई आएगा। अब ई के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वो इससे किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होगा ई से। देखिए अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए, अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट, देखिए इसमें भी हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने बोला बर्नआउट और यहां पर भी हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट मैनी ऑफ देम, देखिए यहां पर भी दो रेफरेंस पॉइंट है, मेनी ऑफ देम मतलब जजेज एंड मजिस्ट्रेट के लिए ये आया है, क्योंकि प्रीवियस सेंटेंसेस में हमने जजेज एंड मजिस्ट्रेट की बात की है तो उसके लिए यहां पर देम आया है, प्रीवियस सेंटेंस में बर्नआउट भी आया है। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस आपका जुड़ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट मेनी ऑफ देम आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। बर्नआउट के अलावा, बर्नआउट के अलावा काफ़ी सारे जजेज और मजिस्ट्रेट में एक ये प्रॉब्लम भी हो रही है, सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, दबाव।
ठीक है, द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पीपल कैन एक्सपीरियंस व्हेन वर्किंग विथ ट्रॉमेटिक मटेरियल एंड ट्रॉमेटाइज्ड पीपल, जब जब दुखी लोगों के साथ दुखी वातावरण में ये मजिस्ट्रेट और जजेस काम करते हैं, अपने डिसीजंस देते हैं, तो उनको सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम आती है, ये बात फाइंडिंग में निकल के आई है। तो यहाँ पर हम डैम की बात कर रहे हैं, बर्नआउट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए इसके बाद ये सेंटेंस आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा। देखिए यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, पहले हमने केवल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बोला है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है, ये दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कनेक्ट कर रहा है। पहले हमने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बोला, फिर हमने बोला दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। और चूंकि हम सारी फाइंडिंग्स की बात कर चुके हैं, हमने पहले बर्नआउट की बात की, फिर हमने ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की बात की, और फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं इस ऑल के थ्रू, क्योंकि ऑल सबसे बाद में आएगा, इससे पहले हम सारी फाइंडिंग्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए ऑल ये जो है ये आएगा सबसे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सीक्वेंस बनेगा बी ई ए सी डी। तो इस तरीके से एक पैराजंबल को किया जाता है। पैराजंबल चाहे कितना भी लंबा हो, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही टेक्निक्स और यही लॉजिकल रीजनिंग आपको अप्लाई करनी है, और इसके थ्रू पैराजंबल को आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। पैराजंबल बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में, आरबीआई में, आरआरबी में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में, सभी जगह पैराजंबल पूछा जाता है, और ये एक टूल है जिसके थ्रू एग्जामिनर आपकी लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस, तो सेकेंड सेंटेंस ई है, ठीक है, लेकिन ई कहाँ पर दिया है, ई दिया है फोर्थ में, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ आपका आंसर होगा। लास्ट सेंटेंस क्या है, डी है, डी कहाँ पर दिया है, सेकेंड में, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड आपका आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस हम देख लेते हैं, फोर्थ सेंटेंस है सी, और सी कहाँ पर दिया है, सी है सेकेंड में, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, बी है, तो ये आपका आंसर होगा बी। और थर्ड सेंटेंस क्या है, ए है, और ए कहाँ पर दिया है, फिफ्थ में, तो आपका आंसर क्या होगा, फिफ्थ होगा। तो इस तरीके से एक पैराजंबल को किया जाता है। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स, सारी लॉजिकल रीजनिंग समझ में आई होंगी। ये SBI PO प्री का एक रियल क्वेश्चन था, और आगे की वीडियो क्लासेस में इस तरह की ट्रिक्स और इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको सिखाऊंगा, और आई होप कि इन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करेंगे रियल एग्जाम में, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।